सोशल टीवी आप सभी नागरिकों से अपील करता है, सरकार के निर्देशों का पालन करें, बिना काम के बाहर ना निकलें, खतरे की गंभीरता को समझें, समस्या का समाधान आपके पास, अफवाहों से बचें, भय का माहौल ना बनाएं, गंदगी ना फैलाएं, साफ सफाई रखें। सबसे अहम बात, जिम्मेदार बनें, गलत एवं भ्रामक खबरों को शेयर करने से बचें, घर के अंदर रहें, खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं। भागलपुर में लॉकडाउन के बीच अपराधियों का दुस्साहस इन दिनों चरम पर है। इसी क्रम में गश्ती के दौरान अहले सुबह बात थाना के पुलिस को पांडे पोखर के समीप एक अज्ञात युवक का शव मिला है, लेकिन प्रथम दृष्टिया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि युवक की अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या की गई है। वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। यहां आपको बता दें कि बात थाना क्षेत्र में अभी बीते दिनों ही एक किसान की अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर दी थी। वैश्विक महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर देश भर में जारी लॉकडाउन में इन दिनों देशवासियों का आवश्यक सामग्री जुटाने में हाथ पांव फूल रहा है। वहीं निजी विद्यालय बार बार स्कूल फीस मांग कर अभिभावकों की चिंता बढ़ाने में रही सही कसर को बखूबी पूरा कर रहा है। बकायदा सभी निजी विद्यालयों को जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन की अवधि के दौरान का स्कूल फीस नहीं लेने के लिए निर्देशित किया गया है। बावजूद इसके निजी विद्यालय जिलाधिकारी का कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वहीं आज नगर विधायक अजीत शर्मा ने स्कूल फीस को लेकर सूबे की सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि निजी विद्यालय मनमानी पर उतारू हैं, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। विधायक ने मुख्यमंत्री से इस मामले में दखल देने की मांग करते हुए कहा कि अविलंब मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन और निजी विद्यालय प्रबंधन को लॉकडाउन की अवधि के दौरान का स्कूल फीस नहीं लेने के लिए निर्देशित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि साहब प्राइवेट स्कूल कोई फीस नहीं लेगा। मुझे भी सूचना मिली है कि वो लोग परिवार में खबर जा रहा है फीस देना, जबकि स्कूल बंद है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से, प्राइवेट स्कूल के प्रचार हो, मैनेजमेंट हो, साथ ही जिलाधिकारी जो यहाँ के हैं वो प्राइवेट स्कूलों से बात करें कि अभी कोई लॉकडाउन है, कोई बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, मानवता की घड़ी में फीस नहीं लेना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री का आदेश भी है। लेकिन आपको बता दूँ, मैं चाहता हूँ स्कूल कॉलेज के बच्चे, चूँकि अगर पढ़ाई नहीं होगी तो बिहार का विकास अवरुद्ध होगा, देश का विकास अवरुद्ध होगा, क्योंकि पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जो सैनिटाइज टनल बना लें और कोरोना वायरस उसमें है पाए जाते हैं उसको चेक करके स्कूल में जाएं, शिक्षक और बच्चे और पढ़ाई हो, और पूरे स्कूल को सैनिटाइज कर दें तो पढ़ाई होनी चाहिए। अगर ठीक है एक महीना डेढ़ महीना आपने किया, चलिए अब तो ये बढ़ते जा रहा है, ये कब तक पढ़ेगा? और ऑनलाइन पढ़ाई कोई नहीं, कुछ नहीं हो रहा, ये खानापूर्ति हो रही है। फिर भी वो सरकार को निर्णय लेना है, लेकिन अभी जो सरकार का आदेश है कि फीस नहीं लेना है प्राइवेट स्कूलों को, जिला अधिकारी को उसको देखना चाहिए कि फीस न ले। और मैं भी आग्रह कर रहा हूँ फिर दोबारा आपके माध्यम से कि प्रचार हो, मैनेजमेंट हो, फीस नहीं लेना। भागलपुर में जारी लॉकडाउन के दौरान इन दिनों आम आदमी जहां दाने दाने को मोहताज है, वहीं राशन कार्ड के मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार खींचातानी हो रही है। इसी क्रम में आज नगर विधायक अजीत शर्मा ने राशन कार्ड को लेकर केंद्र और प्रदेश की सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार राशन कार्ड को लेकर अलग अलग बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों सरकारों के बीच इस मामले में मतभेद साफ साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड के लिए जो सर्वे करवाया गया है उसमें काफी कम समय दिया गया है और सर्वे भी ठीक तरीके से नहीं हो पाया है। दूसरी ओर विधायक ने मुख्यमंत्री से इस विकट परिस्थिति में सूबे के हर गरीबों को राशन मुहैया कराने की मांग की है। रात में मैंने न्यूज चैनल पे ये देखा कि राशन कार्ड जिनके पास उनको अनाज देने में सरकार के मंत्री मदन सहनी जी और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी दोनों में एक मत नहीं था। यहाँ से जो लिस्ट गया है, मदन सहनी जी आदरणीय मंत्री जी कह रहे हैं कि 30 लाख लोगों का मैंने भेजा है, जो कि 1.5 करोड़ के आसपास लोगों को राशन मिलने की बात उन्होंने की है। मेरा मानना है कि 30 लाख से ऊपर लोग, सर्वे भी जो कराया गया है, 30 लाख कम है परिवार, उससे भी अधिक परिवार भूखे हैं जिनको कि काम नहीं मिल रहा है और उनको राशन चाहिए। अभी ये लड़ाई का वक्त नहीं है कि कहाँ से देंगे। वो बोलते हैं पॉकेट में है, क्या दे देंगे?
अरे अभी तो आप बिहारवासी जो गरीब हैं, जिनको राशन नहीं मिल रहा, उनको देने की बात कीजिए। और माननीय प्रधानमंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि आपके केंद्र के मंत्री बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, इस पर आप उनसे बात करिए और बिहार वासियों को, जो गरीब लोग, उनको राशन भिजवाने का काम कीजिए। देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए लॉकडाउन की घोषणा की गई है। वहीं इस दौरान विभिन्न राज्यों के लोग अलग अलग क्षेत्रों में फंसे हुए हैं, जिससे इन लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने इन लोगों को वापस अपने घर पहुंचाने के लिए नियमों में कुछ ढील दे दी है। बकायदा रेल सेवा बंद होने के बावजूद स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। वहीं नगर विधायक अजीत शर्मा ने केंद्र सरकार से बाहर फंसे मजदूरों, छात्र छात्राओं के अलावा अन्य लोगों को भी उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की मांग करते हुए कहा कि जिस संक्रमण के बचाव के लिए स्पेशल ट्रेन से इन लोगों को भेजा जा रहा है, वह स्पेशल ट्रेन कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है। वहां से लोग अपना घर वापस कैसे आएंगे, इसकी व्यवस्था नहीं की गई है। विधायक ने कहा कि अगर स्पेशल ट्रेन गंतव्य तक नहीं आती है तो सोशल डिस्टेंस का पालन सही ढंग से नहीं हो पाएगा और संक्रमण फैलने की अति संभावना बनी रहेगी। बताऊं, ये ट्रेन जो मैं देखा कि केंद्र मंत्री फ्रेट तय करेगी, किराया तय करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री से मेरा आग्रह है, अभी फ्रेट क्या तय कर रहे हैं? अभी जो लोग फंसे हैं उनके पास तो खाने का पैसा नहीं है। पूरे ट्रेन में RCTC खाना उपलब्ध कराती रही है। उनको कहिए कि जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, जो मजदूर भाई जो काम रोजगार वहाँ करने गए थे, जो वापस आ रहे हैं ट्रेनों से, उनके लिए RCTC खाना का ट्रेन उपलब्ध कराए। और माननीय प्रधानमंत्री जी, कोई किराया मत लीजिए, पैसा कहाँ से लाएगा वो? आज मानवता की घड़ी में आप किराए की बात केंद्र सरकार के मंत्री कर रहे हैं, यह बिल्कुल शर्मनाक बात है। आप जनता के द्वारा चुने गए वहाँ सरकार में लोग बैठे हैं, मैं आग्रह करूँगा कोई किराया नहीं लिया जाए, साथ ही साथ उनको खाने का इंतजाम किया जाए। और सोशल डिस्टेंसिंग जो ट्रेन में हो सकता है वह बस में पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप ट्रेन से सबों को अपने अपने गंतव्य स्थान पहुंचाने का काम करें। अभी बिहार में सुना है कि ट्रेन एक आ रही है जो पटना तक आएगी, वहां से बसों से भेजा जाएगा, चाहे वो भागलपुर हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो, सहरसा, वहां से भेजा जाएगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा ट्रेन को आगे तक, जिस कटिहार के लोग हैं तो कटिहार पूर्णिया वहां भेजिए, कटिहार तक भागलपुर के लोग हैं, यहाँ के 45,000 से ऊपर लोग फंसे पड़े हैं, यहाँ भेजिए। और सभी राज्यों से ट्रेन चलाने की बात कीजिए। मंजूषा गुरु मनोज पंडित के मार्गदर्शन में लॉकडाउन का पालन करते हुए COVID-19 कोरोना आधारित युवा कलाकार अमन सागर द्वारा सुंदर आकर्षक चित्र तैयार किया गया है। इस मंजूषा पेंटिंग में सोशल डिस्टेंसिंग को बखूबी दर्शाया गया है। इस संबंध में अमन सागर ने कहा है कि मैं मंजूषा पेंटिंग बचपन से बनाते आ रहा हूं, जिसमें हमारे परिवार का काफी सहयोग रहा है। मैंने इस पेंटिंग में अपनी भारत की स्थिति को दर्शाने का प्रयास किया है और इस पेंटिंग में माननीय प्रधानमंत्री के साथ डॉक्टर, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मी का सहयोग और सम्मान करने की बात दर्शाई गई है। साथ इन्होंने कहा है कि कोरोना को भगाना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मेरा नाम अमन सागर है। मैं अपने पेंटिंग के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आज पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, हमें साथ मिलकर लड़ना होगा, इसे हराना होगा। लेकिन इस लड़ाई में जिनका अहम भूमिका है डॉक्टर, पुलिस और सफाई कर्मचारी, हमें मिलकर उनका सहयोग करना है, उनका सम्मान करना है और माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशों का पालन करते रहना है। भागलपुर जिला के नगवछिया में देर रात नगवछिया NH 31 के खरीक चौक बाबा ट्रांसपोर्ट के समीप दोनों ओर से तेज रफ्तार से आ रही ट्रक आपस में टकरा गई। इस घटना में नालंदा के दो और झारखंड के दो लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। बताया जा रहा है कि देर रात बीहपुर के तरफ से आ रही ट्रक का कटिहार से आ रहे ट्रक से खरीक चौक समीप टक्कर हो गई। इसमें नालंदा के गुंजन, सुनील कुमार व झारखंड के गोपाल पांडे और उषा देवी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गोपाल पांडे व उषा देवी पति पत्नी हैं और झारखंड से पटना जा रहे थे। स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचकर सबको पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर परिजनों को सब सौंप दिया जाएगा। 11:30 बजे रात में DCM और 14 चक्का गाड़ी जा रहा था, वही खरीक चौक NH 31 पर एक्सीडेंट हो गया, जो कि 4 आदमी मर गए। कौन लोग हैं?
ये वो गोपाल हैं झारखंड में ससुराल बता रहे हैं जी। पति पत्नी है, साइकिल से जा रहा था कहीं पटना, उसके बाद सर ये रास्ते में एक्सीडेंट हो गया डीसीएम और 14 चक्का ट्रक से। बांका जिले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर प्रदेश भर में आहूत अनशन से उपवास में जिला राजद इकाई के तरफ से जिला अध्यक्ष अर्जुन ठाकुर के आवास पर बांका विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी जफरुल होदा के नेतृत्व में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए 2 घंटे का सांकेतिक उपवास किया गया, जिसमें कटोरिया विधायिका स्वीटी सीमा हेम्ब्रम समेत राजद के वरीय समाजसेवी नेता अबुल हाशिम, राजद जिला प्रवक्ता प्रमोद राउत, मकेश्वर गुप्ता, मुखिया रणधीर यादव, संजीव यादव सहित अन्य राजद नेता उपस्थित रहे। बिहार के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के आह्वान पर और हमारे पूर्व सांसद भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय जयप्रकाश नारायण यादव जी के निर्देश पर हम लोग उपवास पर बैठे हुए हैं कि उन लोगों की को घर वापसी हो, जल्द से जल्द हो, जबकि केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है लेकिन बिहार सरकार उनको लाने में आनाकानी कर रही है। यही मुख्य कारण हम लोगों का है और पार्टी से हम लोगों को अगर निर्देश मिलता है तो इसके आगे भी हम लोग बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार। इस अनशन पर जो बैठे हैं स्पेशल रूप से प्रवासी मजदूर और बाहर फंसे छात्रा छात्राओं को अपने बिहार राज्य में लाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सरकार से आग्रह करते हैं, अनुनय विनय विनती भी करते हैं कि जितने भी हमारे दिहाड़ी मजदूर बाहर में फंसे हुए हैं और छात्रा छात्राएं फंसी हुई है, उन सबों को सरकार लाने का जल्द से जल्द प्रयास करें। झारखंड के साहिबगंज में बोरियो प्रखंड के कांदर पंचायत अंतर्गत कांदर उच्च विद्यालय के प्रांगण में लॉकडाउन में फंसे जरूरतमंद गरीब आदिवासी परिवार जिसका राशन कार्ड नहीं बना है वैसे 63 परिवारों को मोदी आहार एवं मोदी दक्षिणा के साथ राहत सामग्री वितरण किया गया। कार्यक्रम में फादर जॉन, डॉक्टर सुरेंद्र नाथ तिवारी, कृष्ण कुमार शर्मा आदि लोगों की निगरानी में सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते हुए राहत सामग्री का वितरण किया गया। कांदर हाई स्कूल के माननीय प्राचार्य जॉन साहब के का आग्रह था कि कुछ यहाँ के स्थानीय ग्रामीण जो ज़रूरतमंद हैं, गरीब हैं लेकिन उसका राशन कार्ड नहीं बना है, वैसे लोगों को राशन अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है जो कि बहुत ही निहायत ज़रूरी है। उसको देखते हुए जैसे ही मिला उसको हम कल ही प्रशासन को भी अवगत कराया, हालांकि मेरे प्रशासन के अवगत कराने पर प्रशासन के द्वारा यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी कल ही रात को 8 बजे आके कुछ लोगों को दिए हैं और सुबह भी दिए हैं और आज हम भी जितने लोग हैं उन लोगों को आज उपलब्ध कराए अपनी तरफ से राशन सामग्री। और ये संकट की घड़ी है कोरोना लॉकडाउन के चलते और इस संकट की घड़ी में हम सभी सामाजिक के जो भी सेवक हैं वो सभी का फर्ज बनता है कि कहीं अगर ऐसा सुने कि कहीं गरीब गुरबा जो भूखे प्यासे रह रहा है तो उसको राशन उपलब्ध करा ले, तो आज हम उसी में मोदी आहार और मोदी दक्षिणा के रूप में आज लोगों को मदद करने के लिए आए हैं। सोशल टीवी आप सभी नागरिकों से अपील करता है सरकार के निर्देशों का पालन करें, बिना काम के बाहर ना निकलें, खतरे की गंभीरता को समझें, समस्या का समाधान आपके पास, अफवाहों से बचें, भय का माहौल ना बनाएं, गंदगी ना फैलाएं, साफ सफाई रखें। सबसे अहम बात जिम्मेदार बनें, गलत एवं भ्रामक खबरों को शेयर करने से बचें, घर के अंदर रहें, खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं।